नाज़रीन मोहतरम, एक अहम खबर है और कुलगाम पुलिस ने एक अहम कार्रवाई के दौरान दो अफराद को दबोच लिया। हम आपको बताएं कि दरअसल कुलगाम पुलिस को और मुख्तलिफ शिकायत मौसूल हुई थी कि कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं जेब कतरों का एक ग्रुप जो है वो घूम रहा है। इसके सिलसिले में पुलिस हेडक्वार्टर कुलगाम और SHO कुलगाम की सरबराही में कई टीमें जो हैं, कई नाके जो हैं वो लगाए गए। दो अफराद को फिल्मी अंदाज में दबोच लिया। हम आपको बताएं कि दोनों अफराद ने ये इंकशाफ किया है कि उन्होंने किसी शख्स को लिफ्ट दे के एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कहा, उसके बाद ये जेब से बहुत सारी रकम जो है वो चुरा ली। उसके बाद उन्होंने कुलगाम पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज की और हम आपको बताएं कि दरअसल कुलगाम पुलिस पहले ही इस बात को लेके मुतहरिक थी और ये एक फिल्मी अंदाज में फिलहाल दो अफराद जो हैं वो उनको दबोच लिया गया और जिनकी शिनाख्त जो है फिरदौस अहमद शेख वलद अब्दुल गनी शेख, ये रेसिडेंट ऑफ दशन यारीपोरा, और रूफ अहमद मीर सनाब मोहम्मद रफ़ी मीर, ये भी साकिन यारीपोरा से हैं और दोनों का ताल्लुक जो है यारीपोरा इलाके से है। दरअसल फिरदौस अहमद शेख वलद अब्दुल गनी शेख रेसिडेंट ऑफ दशन यारीपोरा और रूफ अहमद मीर वलद मोहम्मद रफ़ी मीर, ये भी यारीपोरा से हैं। और हम आपको बताएं कि दोनों ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने ये लोगों को जासा बुझला के आम लोगों को, खासकर बुज़ुर्गों को लिफ्ट देते थे और उसके बाद उनके जेब से जो है रकम या कुछ भी साजो सामान हो वो चुरा लेते थे। और फिलहाल हम आपको बताएं कि कुलगाम पुलिस ने बाकायदे तौर पर 54/2024 FIR जो है वो रजिस्टर किया और दोनों को गिरफ्तार किया गया। और ये सबसे बड़ी खबर है। और हम आपको बताएँ कि दोनों से फिलहाल 50,000 की रकम और मोटरसाइकिल जो हैं JK 18/5061 जो हैं वो जब्त कर ली गई हैं और कुलगाम पुलिस की इस कार्रवाई को लोग काफ़ी सराहना करते हैं।